हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा लेडीज़ कैप बनाकर लाई हूँ ये मैंने टू कलर में बनाया है ये किसी भी लेडी के सर पे बिल्कुल सही आएगा इसमें इतने फंदे रखे गए हैं कि बिल्कुल कैप आपके सर पे सही बनकर आएगा छोटा बड़ा बनाने के लिए आप इसमें फंदों को घटा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ से देखी है मैं यहाँ से अगर इसकी लेंथ नापूँ तो ये आठ इंच का है टोटल ये देखिए यहाँ से हमने इंची टेप रखा और नीचे तक ले जाते हुए देखिए आठ इंच का है यानी कि ये फुल कैप है जितना आप अपने लिए मार्केट से खरीदते हैं उतना ही मैक्सिमम ये कैप है बस इसका जो बॉर्डर है वो आप पलटेंगे नहीं ये सीधा सीधा ही आएगा तो यहाँ पे आठ इंच का ये मैंने कैप बना के तैयार किया है अब हम इसके ऊपर का सबसे डिज़ाइन देखेंगे ये जो यहाँ पर हमने मैंने सबसे ऊपर जो बना रखा है देखिए ये इस तरीके का डिज़ाइन बनकर आता है बहुत ही खूबसूरत तो और बहुत ही ईजी है इसे बनाना यहाँ पे आपको पत्तियों का शेप का डिज़ाइन बनकर आएगा ये देखिए इसमें जाली वाला डिज़ाइन मैंने बनाया है और यहाँ पर देखिए मैंने जो इसमें कलर लगाए हैं वो प्लेन लगाए हैं यानी कि यहाँ पर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है ऊपर हम लोग डिज़ाइन बना चुके हैं तो नीचे हमने डिजाइन नहीं बनाया है इसका बॉर्डर जो वो मैंने एक इंच का बनाया है अगर आपको दो इंच का बॉर्डर बनाना है तो आप दस सलाइयों के बाद बॉर्डर को बना सकते हैं देखिए ये यहाँ से यहाँ तक दस सलाइयाँ हैं इसके बाद आप बॉर्डर शुरू करके दो इंच का बॉर्डर बना सकते हैं लेकिन मैंने इसका बॉर्डर पतला बनाया है तो मैंने एक इंच का बॉर्डर बनाया है अट्ठारह सिलाइयों के बाद अब हम यहाँ पर देखिए इसकी जो हमने प्लेन हिस्सा बनाया है वहाँ पर मैं नाप देती हूँ कितना है तो टोटली मेरा साढ़े तीन इंच का मैंने डिज़ाइन के बाद बनाया है प्लेन ऊपर का हमने डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद साढ़े तीन इंच का प्लेन बनाया है जिसमें बॉर्डर भी शामिल है अब हम इस को कैप को बनाने के लिए निडल और वूल देखेंगे तो निडल देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो नीडल का इस्तेमाल किया है दस नंबर की और नौ नंबर की दस नंबर की नीडल से मैंने बॉर्डर बनाया है और नौ नंबर की नीडल से मैंने कैप शुरू करते हुए इसे कंप्लीट किया है तो आप यही दोनों सलाइयों से बनाइए खाली नौ नंबर या खाली दस नंबर की सिलाई से इसे मत बनाइए अब हम इसका वूल देखेंगे इसका वूल जो है मैंने यहाँ पे वर्धमान का वूल लिया है मेरे पास ये थोड़ा थोड़ा वूल बचा हुआ था काफी कम वूल से ये बनके तैयार हो जाता है इसमें भी मेरा वूल बच जाएगा थोड़ा बहुत ही थोड़ा थोड़ा वूल लगता है बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इसका वूल लें अगर आप दो कलर में ले रहे हैं तो सेम होना चाहिए मोटा पतला वूल नहीं होना चाहिए उससे फंदों में फर्क आ जाता है तो यहाँ पर देखिए मैंने वर्धमान का ये वाला वूल लिया है मैं हमेशा इसी वूल का यूज़ करती हूँ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ये मुझे वूल सबसे ज़्यादा पसंद है ये लच्छी में आता है आप इसमें गोले में भी ले सकते हैं और बेबी वूल भी ले सकते हैं जैसवाल का वूल भी बहुत अच्छा होता है आपके एरिया में जो भी वूल अच्छा कंपनी का हो वही यूज़ कीजिए अब यहाँ पर हम कैप को शुरू करेंगे कैप को शुरू करने के लिए मैं नौ नंबर की सिलाई का यूज़ करूँगी नौ नंबर की सिलाई से हम कैप को शुरू करेंगे और बॉर्डर हम दस नंबर की सिलाई से बनाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा वूल लिया है मतलब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने चार बार तह लगा के वूल ले लिया इस ये जो मेरा वून है इससे मैं सिलाई करूँगी कैप की अगर आप यहाँ पर ऊन नहीं एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आप थोड़े से ही से शुरू कर सकते हैं और नीचे आप छोड़ सकते हैं ताकि आपकी सिलाई हो जाए लेकिन मैं क्योंकि कैप को ऊपर से सिलने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पर इतना वूल छोड़ के अब मैं यहाँ पर फंदों को बनाऊँगी मतलब नीडल में फंदों को ले लूँगी तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से एक नोट लेते हुए प्लेन आपको फंदे लेने फैंसी फंदे नहीं डालने हैं नौ फंदे आपको सिलाई में ले लेने हैं तो दो फंदे हो गए तीन चार पाँच छ सात आठ देखिए यहाँ पर सात फंदे हो गए हमारे ये आठवां फंदा और नौ आपको नौ फंदों से ही ये शुरू करना है नौ फंदों के बाद हमारी ये देखिए ये नौ फंदे हैं इसके बाद हमारी रॉन्ग साइड की रो आएगी अगर आप ये फंदे नहीं लेना चाहते तो आप जैसे भी आप डालते हैं लेकिन सिंपल फंदे ही लीजिए फैंसी फंदे मत लीजिए अब हमारे जो नौ फंदे हैं इनको हम सी उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मेरी रॉन्ग साइड की रो आ रही है इसी वजह से मैं इसे उल्टा बिन के कंप्लीट कर लूँगी अगर आपकी रो रॉन्ग साइड की नहीं आती है तो आप इसे सीधा से शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पे नौ फंदे मैं उल्टे बिन के कंप्लीट करूँगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नौ फंदे हमने उल्टे बिने अब हम यहाँ से डिज़ाइन को शुरू करेंगे तो डिज़ाइन के लिए हम पहला फंदा स्लिप करेंगे एक जाली बनाएंगे देखिए यहाँ पर एक जाली बनाई मैंने इस तरीके से आपको इसी तरीके से जाली बनानी है फिर दूसरा फंदा बिनेंगे फिर एक जाली बनाएंगे फिर तीसरा फंदा बिनेंगे फिर, फिर एक जाली बनाएंगे इस तरीके से फिर चौथा फंदा फिर एक जाली फिर पाँचवा फंदा फिर एक जाली छठा फंदा एक जाली सातवां फंदा एक जाली आठवां फंदा एक जाली और ये हमारा लास्ट का नौवां फंदा यानी कि हमने यहाँ पर सत्रह फंदे बना लिए हैं नौ फंदे हमारे पहले हमने निडल पे लिए थे और आठ फंदों की हमने जाली बनाई टोटल हमारे सत्रह फंदे हो जाएंगे जब हम उल्टी रो को कंप्लीट करेंगे उल्टा बिनकर यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी आप उल्टा बिन लीजिए तो यहाँ पे नौ फंद जो हमारे नौ फंदे थे अब उनके हमारे सत्रह फंदे हो गए हैं मैं यहाँ पर उल्टा और सीधा ही बिन रही हूँ क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी फैलता हुआ डिज़ाइन है जाली वाला डिज़ाइन है इस वजह से मैंने यहाँ पर कोई और डिज़ाइन का यूज़ नहीं किया है यानी कि मैंने यहाँ पर कोई उल्टे फंदे या और छोटा डिज़ाइन का यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पर हमारी रो जो रॉन्ग साइड की है वो हमने उल्टा बिन के कंप्लीट कर ली अब मैं आपको रॉन्ग साइड की रो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सभी रो को आपको सिर्फ उल्टा ही बिन लेना है अब फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं और अब हमें फिर वही रो देखिए यहाँ पर हमने पहले एक फंदा बनाया फिर एक जाली डाली अब की बार हम दो फंदे बनाएंगे और एक जाली डालेंगे बेसिकली हम यहाँ पर फंदों को बढ़ा रहे हैं हर सीधी सिलाई पर तो यहाँ पर देखिए अब हमने पहले फंदे को स्लिप करना है एक फंदा हमें सीधा बिन लेना है दो फंदे हो गए अब दो फंदों के बाद एक जाली बनाएंगे फिर हम दो फंदे सीधे भी लेंगे एक और दो दो फंदे सीधे एक जाली फिर दो फंदे सीधे बिनेंगे ये वाले एक दो एक जाली बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे भी एक दो एक जाली बना देंगे यहाँ पर फिर दो फंदे सीधे भी लेंगे एक दो फिर जाली बना देंगे फिर दो फंदे सीधे बिनेंगे एक दो एक जाली बना देंगे फिर दो फंदे सीधे बिनेंगे एक दो एक जाली बना देंगे दो फंदे सीधे भी देंगे एक दो एक जाली बना देंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बिनते हुए रोको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हमने फिर से आठ फंदों जोड़ लिए हैं यानी कि आठ आठ फंदे हमने बढ़ा लिए हैं रॉन्ग साइड की रो को हमें उल्टा बिन लेना है यहाँ पर मैंने अपनी रॉन्ग साइड की रो उल्टा बिन कर कंप्लीट कर ली है अब फिर से हम राइट साइड की तरफ हैं अब हमें यहाँ पर देखिए तीन फंदे सीधे बिनने हैं पहले हमने दो बिने एक बिना फिर दो बिने अब हम तीन फंदे सीधा बिनेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और फिर दो फंदे सीधे बिनेंगे एक दो तो टोटल तो हमारे तीन फंदे हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारी जालियाँ बनने लगेंगी तीन फंदों के बाद फिर हम एक जाली बनाएंगे और फिर से तीन फंदे सीधे भी लेंगे आपको यहाँ पर इसी तरीके से फंदों को बढ़ाना है यानी कि हर फंदे जो आप जाली बनाएंगे वो आपका प्लस होता जाएगा और उसके आगे आप जाली को बनाते जाएंगे तीन फंदे फिर हम सीधे भी लेंगे यहाँ पर देखिए एक दो और तीन तीन फंदे सीधे एक जाली बनाएंगे तीन फंदे सीधे भी लेंगे एक दो तीन एक जाली बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बिनेंगे एक दो तीन एक जाली बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बिनेंगे एक दो तीन एक जाली बनाएंगे तीन फंदे सीधे बिनेंगे एक दो तीन एक जाली बनाएंगे तीन फंदे सीधे बिन के फिर एक जाली बना के लास्ट का फंदा सीधा बिन देंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारे तीन ही फंदे आएंगे यहाँ पे हमारे हर सीधे सिलाई पे एक फंदा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हमारा लास्ट का फंदा हमने सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया रॉन्ग साइड की रो हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे तो रॉन्ग साइड पे सिर्फ उल्टा बिनना है जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली है अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको फंदे कितने रखने हैं और किस तरीके से बढ़ाते जाने हैं आपको हर सीधी सिलाई पर आठ फंदों को बढ़ाना है हर जाली आपको एक जैसे आपने तीन फंदे डाले अब यहाँ पे देखिए चार फंदे हो जाएंगे फिर चार फंदों के बाद एक जाली आप बनाएंगे फिर पांच फंदों के बाद एक जाली बनाएंगे फिर छह फंदों के बाद एक जाली बनाएंगे फिर सात फंदों के बाद एक जाली बनाएंगे हर सीधी सिलाई में आठ फंदों को बढ़ाना है और रॉन्ग साइड से आपको उल्टा मिल लेना है टोटल यहाँ पर जो आपके फंदे आएंगे वो चौदह फंदे तक आपको लाना है और यहाँ पर आपके टोटल एक सौ बारह फंदे आएंगे तो चौदह फंदे तक आपको बढ़ा लेना है और एक सौ बारह फंदे कंप्लीट करके आपको यहाँ पे रॉन्ग साइड के सभी हिरों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आगे फिर बताती हूँ यहाँ पे देखिए मैंने अपने नीडल पे 114 फंदे कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी जाली बनकर आएगी अब हम यहाँ पर फंदे गिनते देखिए जाली के पहले के फंदे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दो चार छ आठ दस बारह और चौदह फोर्टीन स्टिच हमारे यहाँ पर आ गए हैं जाली देख लेते हैं यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और तेरह जालियाँ हमारी आई हैं और चौदह फंदों तक हमने बढ़ाया है सेम हमारे यही पूरे आए हैं फंदे अब इसके आगे देखिए हमें कैसे बिनना है इसके आगे हमें बिनने के लिए ये वाले जो चौदह फंदे हैं इनमें से फंदों को घटाते जाना है और बढ़ाते जाना है सबसे पहले हम दो फंदों को स्लिप करके सीधा करेंगे एक दो दो फंदे स्लिप करें और सीधे किए उसके बाद दो फंदों का एक फंदा बना देंगे यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया अब हम बीच के नौ फंदे सीधे भी लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ नौ फंदे सीधे बिने अब देखें यहाँ पर नौ फंदे सीधे बिनने के बाद ये वाले जो ये दो फंदे इनका दो का एक करेंगे यहाँ पर हमने दो का एक किया फिर नौ फंदे सीधे बिने बीच के और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इन दो फंदों को एक साथ बिनेंगे और बीच वाले यहाँ पर एक फंदा घटा नौ फंदे बीच में सीधे बिने दो फंदों का एक फंदा करेंगे और उसके बाद देखिए ये वाला है दो फंदों का एक फंदा करेंगे यानी कि जो हमारा ये वाले दो फंदे हैं इनको हम एक साथ बिनेंगे इस तरीके से अब हमारे दोनों तरफ एक एक फंदा घट गया है उसके लिए हम पहले एक फंदा बढ़ाएंगे और ये वाला जो पहला वाला जो फंदा हमने घटाया था उसको हम बैक साइड पीछे की तरफ जो हमारे फंदे आएंगे उसमें बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे हम यानी कि यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे और जो हमारा चौदहवा फंदा है वो हमारा अब सेंटर का फंदा हो जाएगा एक जाली डाली अब ये जो हमारा फंदा है ये सेंटर का हो जाएगा अब हम यही फिर से रिपीट करेंगे यही चौदह फंदे फिर से रिपीट करेंगे देखिए एक जारी डालेंगे ये वाले दो फंदे हम स्लिप करके सीधे करेंगे या इनको सीधा ज़रूर कीजिए वरना ये आपका डिज़ाइन सही से नहीं बनकर आएगा दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बीच में नौ फंदे हम सीधे भी लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ नौ फंदे सीधे यहाँ पर नौ फंदों के बाद ये वाले एक फंदा हम बीच का रखेंगे और इन दो फंदों को एक साथ बिनेंगे यानी कि दो फंदों का एक फंदा बना देंगे और इसके बाद हम यहाँ से देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से एक जाली डालेंगे फिर एक फंदा हम सीधा बिनेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पूरे चौदह ही फंदे बनकर आएंगे फिर वही रिपीट करेंगे एक जाली बनाएंगे दो फंदों को स्लिप करेंगे स्लिप करके सीधा करेंगे और फिर उनको एक साथ बीन देंगे यानी कि दो फंदों का एक फंदा बना देंगे फिर नौ फंदे हम बीच के सीधे बिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ नौ फंदों के बाद दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये वाले और ये देखिए ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से और फिर एक जाली बनाएंगे ये ये वाला जो हमारा चौदहवा फंदा है इसको हम सेंटर में ले आएंगे फिर हम यही रिपीट करेंगे अब मैं यहाँ तक देखिए आती हूँ यहाँ पे पांच फंदे छोड़ के मैं बिन लेती हूँ सारे फंदे बीच के यहाँ पे देखिए मेरे ये वाले फंदे रह गए इसमें से हम पहले एक फंदा जो हमने आठ फंदे बिने हैं अब हम पहले एक फंदा नवा फंदा बिनेंगे सीधा उसके बाद ये देखिए ये दो फंदे एक साथ बिनेंगे और दो फंदों के बाद एक जाली बनाएंगे यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सेंटर का फंदा है पहले हम एक जाली बना के इस वाले फंदे को भी देंगे फंदे को अब देखिए यहाँ पर हम एक जाली जो बनाएंगे वो हमारे यहाँ के फंदे को बढ़ा देगी ये जो हमने फंदा घटाया था यहाँ पर एक यहाँ पर जब हम जाली बनाएंगे तो हमारा वो फंदा कंप्लीट हो जाएगा लास्ट के फंदे को हम सीधा बिनेंगे रॉन्ग साइड की रो को हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे यानी कि हमारे टोटल नीडल के ऊपर एक फंदे ही रहेंगे पूरी रो को हमें उल्टा बिन लेना है जो हमारे जाली वाले फंदे आएंगे उनको भी हमें उल्टा बिन के ही कंप्लीट कर लेना है तो रॉन्ग साइड पे तो हमारा वही वैसे ही हम बिनेंगे जैसे अब अब तक हम बिनते आ रहे हैं उल्टा उल्टा तो यहाँ पर मैं सभी फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरीके से अब देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली है अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं अब हमारे वही रो हम रिपीट करेंगे जो हमने अभी इससे पहले रिपीट करी है पहले हम ये वाले जो दो फंदे हैं इनको स्लिप करके सीधा कर देंगे सीधा ज़रूर कीजिए वरना आप जब सिलाई करेंगे तब तो आप आपको ये जो इसकी जो कटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी अगर आपने सीधा नहीं किया सीधा करेंगे तो बहुत अच्छी पत्ती बनकर आएगी आपकी दो फंदों का एक फंदा अब हम सात फंदे बीच में सीधे भी देंगे दो तीन चार पाँच छ और सात सात फंदे सीधे बिने पहले नौ फंदे बिने अब सात फंदे बिनेंगे फिर दो फंदों का एक फंदा बना देंगे ये वाले दो फंदे हैं फिर दो फंदों का एक फंदा बनाने के बाद यहां पर देखिए अब हमारे पहले एक फंदा सीधा था अब तीन फंदे सीधे आएंगे इससे पहले हम एक जाली बनाएंगे तीन फंदे सीधे बिनेंगे एक दो और तीन तीन फंदे सीधे अब इसके बाद हम फिर वही रिपीट करेंगे अपने फंदे तीन फंदे सीधे बिनने के बाद अब हम फिर से एक जाली बनाएंगे इस तरीके से और फिर इन दो फंदों को स्लिप करके सीधा करेंगे दो फंदों को सीधा करने के बाद दो फंदों का एक फंदा बना देंगे बीच में हम सात फंदों को सीधा बिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदे सीधे फिर हम दो फंदों का एक फंदा बना देंगे ये वाले दो फंदे जो हैं इनको एक साथ बिनेंगे फिर हम बीच में यहाँ पर देखिए तीन फंदे हमारे आएंगे इससे पहले हम दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे ये वाले तीन फंदे एक जाली डालेंगे तीन फंदे सीधे बिनेंगे बेसिकली जो हम फंदों को दोनों तरफ से घटा रहे हैं वो हम जाली डाल के बढ़ा बढ़ाते जा रहे हैं और बीच में हमारे फंदे उसी तरीके से सीधे आते जा रहे हैं तीन फंदे सीधे फिर वही रिपीट करेंगे एक जाली स्लिप करके दो फंदे सीधे करेंगे दो फंदों का एक फंदा बना देंगे यहाँ पर हम सात फंदे हम सीधे बिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदे सीधे बिनेंगे सात फंदों के बाद दो फंदों का एक फंदा बना देंगे यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये सात फंदे बिने सात फंदों के बाद दो फंदों का एक फंदा इस तरीके से और फिर एक जाली डालेंगे फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे और एक जाली डालेंगे एक जाली तीन फंदे सीधे एक दो तीन और एक जाली आपको इसी तरीके से रो कंप्लीट कर लेनी है अपनी एक जाली डालेंगे और यहाँ पर आपको रॉन्ग साइड पर उल्टा बिन के कम्प्लीट कर लेना है तो यहाँ पर अब मैं देखिए यहाँ पर आपके अब इसी तरीके से फंदे बीच वाले कम होते जाएंगे यहाँ पे अब सात फंदे हैं अब आपके पांच फंदे आएंगे फिर आपके तीन फंदे आएंगे हर बार आप एक, -एक फंदे को घटाते जाएंगे लेकिन जाली डाल के आप फंदों को बढ़ाते भी जाएंगे तो इस वजह से आपके यहाँ पर बराबर से ही फंदे रहेंगे इसके बाद में ये लास्ट के फंदों को आपको एक बार और दिखा देती हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे ये वाले फंदे बचे हैं ये सीधी ही रो हम जो बिन रहे थे वही वाली रो है दो सात फंदे बिनने के बाद दो फंदों का एक फंदा बना देंगे और यहाँ पर देखिए अब तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे तो यहाँ पर हम पहले एक जाली डालेंगे फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे एक दो और तीन फिर हम एक जाली बनाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा बिन देंगे अब रॉन्ग साइड की रो को आपको उल्टा बिन लेना है और राइट साइड की रो को आपको अब पांच फंदों पर बनाना है यानी कि अब आपके पांच फंदे आएंगे तो मैं पांच फंदे वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको तीन फंदे जब मेरे रह जाएंगे तब मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे बिनना है आपको तो यहाँ पे देखिए मैंने पांच फंदे सात के बाद मैंने पांच फंदों पे बिना उसके बाद अब मेरे तीन फंदे यहाँ पर बचे हैं यानी कि सेम रिपीट करिए मैंने पाँचवें फंदे वाली रो और अब यहाँ पर देखिए हमारी ये वाली जाली बनकर आई है अब ये तीन फंदे बचे हैं देखिए इस तरीके से ये अब हमारे तीन तीन फंदे बचे नौ फंदों से शुरू किया और तीन फंदों पर हम आ गए हैं तो इसके लिए हम बीच वाले फंदे को इस तरीके से देखिए लाएंगे आगे और फिर पीछे वाले फंदे को भी हम सीधा कर लेंगे तीनों फंदों को हम एक साथ बिनेंगे यहाँ पर अब तीन फंदे हमने सीधे किए बीच वाले फंदे को सबसे आगे कर लिया और तीनों फंदों को एक साथ बीन देंगे तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे अब हम यहाँ पर देखिए एक जाली डालेंगे और फंदे बिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे आपके बीच में सीधे हैं एक जाली डालने के बाद बारह हो गए और ये तेरहवा फंदा और अब हमारे ये देखिए ये तीन फंदे फिर से आए हमारे अब हम इनको भी वही करेंगे देखिए इस तरीके से बीच वाले फंदे को आगे ले आएंगे पीछे वाले फंदे को सीधा करेंगे तीन फंदे का एक फंदा बना देंगे यानी कि यहाँ पर हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा रहे लेकिन जाली डाल के बढ़ा रहे या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसा आप गला बनाते हैं गले का जब गले का आपको बीच वाला फंदा बनाना होता है उस तरीके से भी आप तीन फंदों का एक फंदा बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको करना है एक जाली बनाएंगे ग्यारह फंदे बीच के सीधे बिनेंगे और फिर एक जाली बनाएंगे तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक फंदे से शुरू किया था और ग्यारह फंदे हमारे बीच में आए हैं और हमने नौ फंदों से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना शुरू किया था और हमारे तीन फंदे आए नौ के बाद सात सात के बाद पाँच पाँच के बाद तीन तो ये हमारे वही वाले तीन फंदे हैं यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा ये बीच के फंदे को हम सबसे आगे ले आएंगे पीछे वाले फंदे को हम सीधा करेंगे तीन फंदों को हम एक साथ निडिल पे लेंगे तीनों फंदों को हम एक साथ बिंदेंगे यानी कि तीन फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे एक जाली डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे फिर एक जाली बनाएंगे और इसी तरीके से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे देखिए यहां पर हमारी बहुत ही खूबसूरत नोकदार पत्ती बनकर आती है ये इस तरीके से अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपकी बहुत ही प्यारी पत्ती बनकर आएगी पूरी रो को इसी तरह रिपीट कर लेंगे राइट साइड की और रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे मेरी दोनों रो कंप्लीट हो गई हैं ये देखिए अब देखिए हमें यहाँ पे कैसे बिनना है अब यहाँ पे हम कलर को चेंज करेंगे अगर आप कलर नहीं चेंज कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखिए लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे कलर को चेंज करूँगी तो मैं यहाँ पर अपना सेकेंड कलर लगाते हुए पूरी रो को सीधा बिन दूँगी एक ही फंदे आपके नीडल पर रहेंगे कहीं पर आपका कोई फंदा घटेगा नहीं कोई फंदा आपका यहाँ पर बढ़ेगा नहीं फंदे आपको एक बार ही बढ़ाने हैं जब आप नीचे से शुरू करेंगे आठ 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 जाली डालते हुए उसके बाद आप जो ऊपर की डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको फंदों को घटाना और बढ़ाना एक साथ है अब आपको जब आपकी पत्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको कलर चेंज करते हुए पूरी रो को सीधा बिन लेना है ये देखिए मैं ये वाला कलर लगाते हुए पूरी रो को सीधा बिनूंगी लास्ट तक और इसकी मैं रॉन्ग साइड की रो को भी उल्टा बिन के कम्प्लीट कर लूँगी यानी कि सीधा उल्टा ही बिनना है तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे मैंने देखिए टू रो कंप्लीट कर लिए रॉन्ग साइड से उल्टा बिन दिया राइट साइड से सीधा अब मैं कलर चेंज करते हुए इसकी अट्ठारह सिलाइयाँ बिनूंगी एटीन यहाँ पर मैं रोज़ बिनूंगी अगर आप उंगलियों से देखें तो चार उंगल का मैं यहाँ पर कम्प्लीट करूँगी और यहाँ से यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कम्प्लीट चार उंगल का मैं दो 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 सिलाइयों को बदलते हुए कम्प्लीट करूँगी यानी कि दो मैं दूसरा कलर लगाऊंगी दो कलर दो रंग दो रो के लिए मैं येलो कलर लगाऊंगी अगर आप को बॉर्डर जल्दी मतलब बड़ा बॉर्डर बनाना है दो इंच का बॉर्डर बनाना है तो आप दस सिलाइयों के बाद बॉर्डर शुरू कर दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पे छोटा बॉर्डर बनाना है तो मैं अट्ठारह सिलाइयों के बाद बॉर्डर शुरू करूँगी तो कम्प्लीट कर लेते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए मैंने अट्ठारह सिलाइयाँ अपनी कम्प्लीट कर ली हैं और चार उंगल का देखिए मेरा बन के आया है इस तरीके से मैंने नापा है तो चार उंगल का बनकर आया है दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह पाँच सलाइयाँ मेरी भूरे कलर से है और चार जो चार दो दो सलाइयाँ मैंने चार बार बनी हैं वो येलो कलर से है अब इसके बाद मैं सीधा बॉर्डर शुरू करूँगी यहाँ पर देखिए हम अब येलो ये वाला कलर कट करके येलो कलर से शुरू करेंगे बॉर्डर बनाना आप बॉर्डर अपनी पसंद का बना सकते हैं जो भी आपको बॉर्डर पसंद हो मैं यहाँ पे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी और एट रो का बॉर्डर बनाऊंगी क्योंकि मुझे बॉर्डर पतला रखना है तो मैं यहाँ पर आठ सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी एक बार और जब आपको बॉर्डर बनाना है तो आपको अपना नीडल बदल लेना है आपको दस नंबर की नीडल से ही बॉर्डर बनाना है ये हमेशा याद रखिए नौ नंबर की नीडल से अगर बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर आपका फैल जाएगा यानी कि आपके जो आपका जो बॉर्डर है वो ढीला हो जाएगा तो यहाँ पे आपको बॉर्डर दस नंबर की सिलाई से ही बनाना है ये आपको ख्याल रखना है मैं यहाँ पे आठ सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बिनते हुए तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखिए मेरी आठ सलाइयों का बॉर्डर जो है वो कंप्लीट कर लिया है अगर आप चाहें तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का भी बॉर्डर बना सकते हैं या जो भी आपको पसंद आए वो बॉर्डर आप बना सकते हैं आठ सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद मैं सभी फंदों को उतार लूँगी यहाँ पर जो मेरा कैप है अब इसके आगे मुझे नहीं बढ़ाना है अगर आपको ये फोल्ड वाला बनाना है मैं फिर आपको बताती हूँ अगर आपको ये फोल्ड करना है यानी कि बॉर्डर आपको फोल्ड करना है तो आप दस सलाइयों के बाद बॉर्डर शुरू जो दस सलाई में प्लेन बनी है वो दस सलाइयों के बाद बॉर्डर बना दस सलाइयाँ बिनने के बाद आप बॉर्डर शुरू कर लीजिए और चार इंच का बॉर्डर बना लीजिए उससे आपका दो इंच का बॉर्डर आप जब पलटेंगे तो वो कवर हो जाएगा तो आपको लंबाई अपने मर्जी की रखनी है यहाँ पर ये जो कैप की मैंने लंबाई रखी है ये बिल्कुल बराबर से रखी है यानी कि इसमें मुझे फोल्ड करने की जरूरत नहीं है बॉर्डर उतारने का तरीका बहुत आसान है आपको दो फंदे सी सीधे बिन लेने हैं यानी कि अगर आप मेरे जैसे दो फंदे सीधे हैं दो फंदे उल्टे हैं तो मैं जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बिनूंगी और पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए छोड़ दूंगी बॉर्डर उतारने का सबसे आ, आसान तरीका यही होता है बाकी आपको जैसे भी आता हो आप उस तरीके से बॉर्डर उतार सकते हैं तो यहाँ पर हम पूरे फंदों को उतार के कम्प्लीट कर लेते हैं जल्दी से अब यहाँ पे देखिए हमारे सारे फंदे उतर चुके हैं अब यहाँ पर मैं सिलाई करूंगी मैं ऊन को कट कर लूँगी क्योंकि मैंने ऊपर ऊन छोड़ रखा है तो यहाँ पे देखिए हमने निडल पे ऊन ले लिया है अब हमको सिर्फ पहला पहला फंदा उठाते हुए पहले ये जो हमारे आठ फंदे हैं इन्हें सिलाई पे ले मतलब निडल पे ले लेना है टाइट कर देना होल नहीं आना चाहिए उसके बाद एक एक फंदा आपको उठाते हुए सिल लेना ये देखिए मैंने थोड़ा सा सिला है और सिल के मैंने ये आपको दिखाया कि देखिए ये इस तरीके से आपको नीचे तक सिल लेना है तो यहाँ पर जब हम एक एक फंदा उठाते हुए सिलेंगे तो देखिए हमारी कितनी सफाई से सिलाई आती है इस तरीके से आपको जाली का ख्याल रखना है इस तरीके से आपको पूरा कैप सिल लेना है एक एक फंदा जो आपका एच का दोनों तरफ है वो आपको सिर्फ नीडल पे लेते हुए सिल लेना है तो कैप हम सिल लेते हैं जल्दी से यहाँ पे देखिए मेरा कैप पूरा सिल चुका है मैं और वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप सिलाई कैसे करेंगे वहाँ जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर से आपको सिलना है और हमारा जो कैप है वो बन के बिल्कुल रेडी है ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ईजी कैप है आप बहुत जल्दी बना सकते हैं बिगनर हैं तब भी आप इसे बहुत ईजिली बना सकते हैं और यहाँ पर हमारा कैप बिल्कुल रेडी है देखिए मेरा इतना ऊन बच भी गया है देखिए मैंने आपको कहा था बहुत कम ऊन वो वोल से तैयार हो जाता है तो यहाँ पर हमारा कैप बिल्कुल रेडी है पहनने के लिए बिल्कुल तैयार है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उन्हें भी बताइए कि ये कैप कैसे बनता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया